भी आज काफी टाइम बाद क्लास हुई है आपकी। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, ध्यान से पहले समझने वाली चीज है। ईएफजी टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक कंपनी है, कंसिडरिंग द न्यू प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर एनर्जी आपका गेम्स, मतलब कोई एक इक्विपमेंट बनाना चाहता है बिजली से चलने वाला सोलर एनर्जी, ठीक है, कोई गेम बनाना चाहता है, किट है इसके, इन्वॉल्विंग आ कैपिटल एक्सपेंडिचर 6 लाख। तो एक चीज आपने ध्यान रखना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम मशीनरी को ही कहते हैं। दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल। तो वो एक्सपेंडिचर जो किसी एसेट्स पे किया जाए उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो किसी खर्चे पे किया जाए उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सर यहाँ एसेट्स पे किया गया है, तो अब आप दिमाग लगाओ, मैंने बोला था किस एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम, मशीनरी, तो मशीनरी रहा होगा। तो इसका मतलब कहना चाहता है कि सर यहाँ पे मशीनरी जो होगा वो होगा टोटल 600 लाख का, 600 लाख का है, एंड वर्किंग कैपिटल 150 लाख का। जी इसमें वर्किंग कैपिटल का भी खर्चा आएगा, इस एसेट्स को चलाने पे 150 लाख का वर्किंग कैपिटल लगेगा। द प्लांट हैज कैपेसिटी एनुअल प्रोडक्शन 12 लाख, और इस प्लांट का कैपेसिटी यानी ये 100% कैपेसिटी पे काम करेगा तो 12 लाख यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देगा। बोल रहा था ना किट बनाएंगे हम, तो 12 लाख किट तैयार कर देगा पूरे साल में अगर ये काम पूरे 100% कैपेसिटी पे काम करेगा। मान लेते हैं ये 50% कैपेसिटी पे अगर काम करता है तो बताओ कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा। सिंपल सी बात है सर, कितने, 6 लाख। मैंने बोला अगर मान लो 10% कैपेसिटी पे काम करेगा तो कितने होंगे, 1.2 लाख। समझ में आ रही है बात आपको, तो 100% कैपेसिटी पे है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग 6 ईयर, इसका मतलब सर इस मशीनरी की लाइफ होगी 6 सालों तक काम चलेगा। वर्किंग लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू बी मेंशन बिलो, और वर्किंग लाइफ नीचे दे रखा है, ये थोड़ा सा है ना एरर आ गया है यहाँ पे, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है, ये 3 ईयर है, ये 4 ईयर है, ये 5 ईयर है, ये 6 ईयर है, लाइन भी कर देते हैं। सर ये कैपेसिटी दे रखा है, कहता है पहले साल जब हमने प्लांट लगाया ना तो प्लांट 33% कैपेसिटी पे ही काम कर पाया, जैसे ही दूसरे साल गए तो प्लांट ने कैपेसिटी बढ़ाया 60, और तीसरे साल में फिर 90, और फिर प्लांट को समझ में आया इससे काम कैसे निकलवाना है, तो पूरे 100-100% पे काम करने लगा। कहता है द एवरेज प्राइस ऑफ पर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी, कहता है कि जो हम यूनिट बनाएंगे उसको सोल्ड करेंगे, जो सोल्ड करेंगे 200 रुपये पर यूनिट, एक यूनिट 200 का बेच देंगे, ठीक है, नेटिंग आ कंट्रीब्यूशन 40%। कहता है इसके अंदर हमारा जब बेचेंगे ना तो यहाँ कंट्रीब्यूशन भी पता है कितना लगने वाला है, 40%, ठीक है। तो सर अगर मैं थोड़ी सी जानकारी दूं, वैसे तो आपको पता है सेल्स इज इक्वल टू होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होता है कंट्रीब्यूशन, और वेरी अगर सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो बचेगा कंट्रीब्यूशन। हालांकि हमने कंट्रीब्यूशन की चर्चा लीवरेज वाले में काफी की हुई है, तो यहां ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा अभी फिलहाल, ठीक है। तो कहता है कि नेटिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ 40% द एनुअल फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन छोड़ के हमारा फिक्स कॉस्ट होगा एस्टिमेट 480 पर एनम फ्रॉम द थर्ड ईयर। कहने का मतलब है हमारे पास 6 साल है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल, जो हमारा फिक्स कॉस्ट का खर्चा होगा ना, यहाँ 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 नहीं बोल रहा, फ्रॉम किससे, थर्ड ईयर से, कितने रुपए का खर्चा आएगा, 480, यहाँ 480, यहाँ 480, यहाँ 480 लाख का, समझ रहे हो बात आप। आगे कहता है
फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का जो खर्चा होगा वुड बी 240 एंड 360। तो यहाँ पे 240 लाख का खर्चा होगा, यहाँ 360 लाख का खर्चा होगा रिस्पेक्टिवली। कहता है सर डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो 33% यानी 33.33% ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू WDV। द रेट ऑफ इनकम टैक्स मे बी टेकन 35%। ठीक है सर। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15% एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। कहता है कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा हमारा 15% एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट 100 लाख रुपए का वुड बी रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल। यानी कह रहा है वर्किंग कैपिटल सर ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारा कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चलता जाएगा, लेकिन जब क्या कहता है 100 लाख रुपीज रिक्वायर्ड कैपिटल कब, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो तीसरे साल के एंड से हमें 100 लाख रुपए और जरूरत पड़ जाएंगे वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है। और हमेशा याद रखना वर्किंग कैपिटल का पैसा तो फिर वापसी मिल ही जाता है हमें, स्टार्टिंग में लगते हैं लेकिन बाद में वो क्या हो जाता है वापस मिल जाता है। ठीक है आगे चलिए। कहता है टर्मिनल वैल्यू फिक्स एसेट सोल्ड स्क्रैप मे बी टेकन 10% ऑफ करंट एसेट्स ऑफ 100%। कहता है भैया जो ये एसेट्स हमारा है ना अभी 600 लाख का, इसको बेचेंगे तो 10% में बिक सकता है, तो इसका मतलब सर ये 60 लाख में बेचा जा सकता है। गिव सजेशन EFG टेक्नोलॉजी लिमिटेड रिगार्डिंग टेकिंग अप न्यू प्रोजेक्ट और नॉट। आप बताइए क्या इसे ये प्रोजेक्ट खरीदना चाहिए या नहीं। तो सिंपल सी कहानी है, हम कब बता सकते हैं ये प्रोजेक्ट खरीदा जाए या ना, जब NPV हमारा क्या है पॉजिटिव आ जाए। तो सबसे पहले तो हमें इनफ्लो निकालना होगा, है ना। अब इनफ्लो कैसे निकालेंगे, सेल्स वेल्स सब कुछ दे रखा है तो उसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ आपको, नेक्स्ट पेज पे कर लें या इस पेज पे तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि थोड़ा कम जगह है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो 6 साल का डेटा बना लेते हैं, नहीं वो फिर आराम से करेंगे एक एक पॉइंट करके। अभी डाउट देखिए क्लास के बाद, पहले मुझे फॉर्मेट ऑर्मेट बनाने दीजिए। एक दो तीन चार पांच छः, कैश ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। सेल्स से पहले ना मैं कैपेसिटी लिख देता हूँ, यूनिट। चलिए इधर मैं थोड़ा सा समझा दूंगा आपको। सर क्वेश्चन में क्या कहता है, हमने यूनिट जो है, देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहता है पहले साल की कैपेसिटी है 1/3, 33.33%। 100% कैपेसिटी कितना बनता है हमारा क्वेश्चन के हिसाब से 12 लाख। और पहले साल में कहता है कि सर आप 12 लाख यूनिट तो बना तो लोगे जब पूरे अच्छे से काम करोगे, लेकिन आप पहले साल में तो 33.33% काम कर पा रहे हो,
तो सर पहले साल का अगर मैं यूनिट की बात करूँ ना, तो 12 लाख का 33 होता है 1/3, यानी सिर्फ और सिर्फ आप, अच्छा 4 होता है ना, 4 लाख। मैं लैक को हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? नहीं, बस सी लिख देते हैं, ठीक है? तो अब इसके बाद देखा जाए तो पहले साल का हमारा यूनिट बनेगा कितने सर, और दूसरे साल में बोला इसने हमारी कैपेसिटी बढ़ के 1.6 हो जाएगा, दूसरे साल की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 66.6 हो जाएगा। तो 12 × 6 तो ये आ जाता है हमारा कितने हो रहे हैं, 8 लाख। 12 × 66.666 लास्ट तक लेना, कुछ बच्चों का पॉइंट में आ सकता है। हाँ बिल्कुल सही, 8 लाख आ गया, 66। अरे ये बड़ा, दूसरे साल का 12 लाख मल्टीप्लाई 66.6%, ये आ गया सर 8 लाख, ठीक है? पहले साल का, दूसरे साल का 8 लाख है, मैं 8 लाख ये क्या लिख रहा हूँ सर, ये यूनिट लिख रहा हूँ। अब तीसरे साल में कितना है, 90% है, तो 12 लाख का 90% निकाल दो, 10.8 लाख। चौथे साल का 12 लाख का कितने परसेंट, 100। अब तो सर आसान है, 12 लाख इसमें भी 100, तो 12 लाख इसमें भी 100, तो 12 लाख, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10.8, इसके बाद 12, 12 और 12। और सर सेल्स प्राइस जो है ना हमारा, वो 200 पर यूनिट का है, सेलिंग प्राइस 200 पर यूनिट का था, तो मैं हर बार का सेल्स निकाल सकता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 800 लाख, 1600, 2100, 60, 2400। मैं एक एक स्टेप पूछता जाऊंगा मैं आपसे, आप बताते जाइएगा। सेल हर बच्चों को समझ में आया क्या? बच्चे कह रहे हैं सर 7.99999 आ रहा है। हाँ उसको 8 कंसीडर कर लिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, चलेगा इतना। यहाँ तक किसी को डाउट है, एक एक चीज पूछ पूछ के मैं आगे चलूंगा, क्योंकि थोड़ा आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर कुछ। जितने बच्चे लाइव में बताइए, आपको यहाँ तक किसी को डाउट सेल्स तक, यस या नो में जवाब दे दीजिए आप। नो, बच्चे पूछ रहे हैं, सिर्फ एक का डाउट है, एक्से का पूछ रहा है, ये कैसे आया 800? अच्छा 800 नहीं समझ आया आपको, अरे इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, हर किसी को आप 200 से मल्टीप्लाई करिए तो 800 आएगा, ठीक है? यानी जो भी यूनिट था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 200 से, यानी इससे मल्टीप्लाई सबको 200 200। अब आ गया, अब आगे चलें। बच्चे पूछ रहे हैं सर यूनिट कैसे आया, ये तो यूनिट ही तो निकाला है, 12 लाख का 1/3, 4 लाख, ये तो यूनिट निकाला है ना, ये तो दिखा तो रखा है मैंने परसेंटेज मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन में देखिए, मेरे सामने अभी क्वेश्चन नहीं दिख रहा, आप सभी ने 10 ईयर ले लिया होगा, नए वाला 10 ईयर भी आ चुका है मार्केट में, जो बच्चे कुछ कह रहे थे 200 कैसे आए, क्वेश्चन में गिवन है ये सारी बातें। यस ठीक है, चलिए
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। अब क्वेश्चन में कहता है सर, आगे कहता है नेट कंट्रीब्यूशन 40%। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, ये कंट्रीब्यूशन गलत यहां पे लिखा है, इसे हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन ठीक कर लीजिएगा, इसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट है सर, 40%। तो लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट, 40% कितने आएंगे, 320। 40% छः सौ चालीस, 40% 800, 40%। अब तो इसमें से माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है ना, तब टैक्स फिर ऐड करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब इनफ्लो आएगा, तभी तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू पे पहुंच पाएंगे। तो अब फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट में आप देखोगे ना क्वेश्चन में, मैंने यहाँ बताया था कि पहले 2 सालों में ये फिक्स कॉस्ट है, बाकी सालों में ये है। तो 240, 360, फिर 480, 480 क्वेश्चन में ये बात भी बता रहा है आपको। तो 240, 240, 360, 480, 480, 480, 480। पहले यहां तक देखिए, फिर इसको माइनस करके हम पहुंच जाएंगे EBIT, EBT, अरे डेप्रिसिएशन तो रही गया, रुक जाओ। माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सर WDV के हिसाब से लगेगा, आपका एसेट का वैल्यू जो है वो है सर 600 लाख, और माइनस 33.33% का डेप है, तो 600 लाख, 600 इंटू में 33.33333, तो सर ये आ गया 200। अब ये बचा 400, इसके ऊपर फिर डेप लगेगा, 6 सालों तक डेप लगाना है आपने। 400 का 33.33333333%, 133, तो मैं पॉइंट छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो 400 माइनस में 133, 267, 2 साल हो गए सर, फिर डेप्रिसिएशन लगाओ, 89 आ गया, 88 पॉइंट कुछ आ रहा है, 9 ले लो, 267 माइनस में 89, 178, कितने साल का लग गया सर, 1, 2, 3, और भी और चलना है अभी तो बहुत देर, कितने, 59 माइनस करके क्या आया, 119, 1, 2, 3, 4, और भी लगेगा सर, 6 सालों का है, 39 माइनस कर देते हैं, 39, 80 आ गया सर, एक और लग जाए बस, कितने, 26 बचे, कितने, 54, यानी 54 रुपीज़ का मेरे हिसाब से इस एसेट्स की वैल्यू 54 रुपये बच रही है। ये तो है, ये डेप्रिसिएशन है सर, डेप्रिसिएशन लिख लें, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का और छठे साल का। अब यहां तक किसी को दिक्कत है तो फिर मैं आगे चलूंगा, अब इसके बाद आगे चलूंगा मैं, बताइए। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, आगे बस थोड़ी सी कहानी रह गई है, टैक्स माइनस डेप ऐड इनफ्लो और एनपीवी से इनटू। है किसी को डाउट यहां तक, नहीं? अब हम क्या निकाल लें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर, अरे पूरा क्यों लिख रहे हैं, पीबीटी। अब माइनस करते हैं,
कितने पहले का 40 आया है, माइनस में आएगा, क्या बात कर रहे हो, प्लस में आ रहा है, कितने आ रहे हैं 40। और कोई खर्चा लग रहा है मुझे, माइनस करना तो नहीं भूल गया। नहीं कोई खर्चा तो रह गया है, और एनी एक्सपेंडिचर 240 ले लिया, वर्किंग कैपिटल तो एक्सपेंस का पार्ट ही नहीं होता। खैर चलिए 40, दूसरे का बताइए 467, तीसरे का 727, 901, 921, हाँ 934, बताइए यहाँ तक किसी को डाउट, प्रॉफिट निकाल लिया है। ठीक है, माइनस कर दें टैक्स। टैक्स कितने परसेंट था सर क्वेश्चन में? सर टैक्स था 35%, 35%। ठीक है करिए, 40 × 35% 14। आगे 163, आगे 254, आगे 315। मैं हर आगे की डिजिट को हटाता जा रहा हूँ। 322, 326, तो सर इसको भी हटा ही देते हैं ना। ठीक है, अब निकाल लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बताइए 26, इसका एक एक करके निकालो भाई, एक एक करके निकालो। हाँ सिक्स हंड्रेड एट, 473, पांचवे का 586, वापस ऐड कर दो डेप। टू टू सिक्स, 487, 437, 562, 645, 39 माइनस करेंगे तो 630, 38 कैसा है? नहीं अच्छा, हाँ 635, क्या है 608। मेरे एक बात नहीं समझ आया, बिल्कुल ठीक है, जिसको डाउट है फटाफट कमेंट में डाल दीजिए ये वाला, ताकि मैं आगे चलूँ। फिर
इसलिए मैंने कहा था इसे एक पेज पे ले लेते हैं, देख रहे थोड़ा सा लेंदी हो गया। हाँ जी, ये क्या है, क्या नाम बोलते हैं इसको बताना एक बार। अब इसमें अगर एनपीवी डाल दें, यानी सॉरी पीवी फैक्टर डाल दें, पीवीएफ डाल दें, तो उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, नेट परसेंट वैल्यू मिल जाएगा, है ना। और पीवी फैक्टर बोला हुआ था, पहले यहाँ तक डाउट देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट रिपीट कर दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट ना क्वेश्चन में थोड़ा एरर था, उसको मैंने रिपेयर कह रहा हूँ ठीक कर दिया। ये ना कंट्रीब्यूशन गिवन था 40%, जबकि इसे होना चाहिए था वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट, 40%, तो बस ये काट दिया। 40% किसका होगा, हमेशा सेल्स का होगा। नेटिंग कंट्रीब्यूशन तो किसका होगा हमेशा सर, सेल्स का होगा। तो सेल्स का 40% बच्चे पूछ रहे हैं कैसे लिया ये बता दीजिए। तो सेल्स का 40% जब आप निकालोगे, 800 का 40%, ये लो मैं लिख देता हूँ 40%, तो 800 का 40%, 1600 का 40%, 2160 का 40% ऐसे आया। और बताइए, डेप्रीसिएशन बता दें, डेप्रीसिएशन तो WDV है, ये तो परसेंटेज निकालना। ये रहा डेप्रीसिएशन, ईयर वन का, टू का, थ्री का, फोर का, फाइव का और सिक्स का। और डेप्रीसिएशन का रेट हमारा है 33.333 WDV के हिसाब से, तो आप हर बार लगाते जाइए आ जाएगा आपका। विकास कुमार पूछ रहे हैं सर प्रॉफिट में डेप क्यों ऐड करते हैं अगेन। विकास मेरे हिसाब से आपकी क्लास ये बीच में है, तो प्रॉफिट क्यों ऐड करते हैं आपको प्रीवियस क्लास देखनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास, वहां पे मैंने बताया हुआ है डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं इनफ्लो निकालने के लिए। हिना का पर नहीं लग गया है सर, 66 पर। हिना मुझे एक बार दोबारा लिख के दे दो, डेप बता दो, 66.6 है ना। नहीं देखो 600 का, देखो पॉइंट के बाद सारे डिजिट में हटाता गया हूँ मैं, क्वेश्चन में 66.6 नहीं है। और किसी का कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि मैं धीरे धीरे आगे चल रहा हूँ, फिर आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा करके चलना होगा। डेप 33.33% है, बच्चे बता रहे हैं मैंने गलती कर दिया। अरे मैं भी तो ये कह रहा हूँ, अब वो दो ही डिजिट लेके चल रहे हैं, और कोई बात नहीं, देखो किताब वाले पूरे में तीन तीन नहीं भर सकते ना, तो दो डिजिट ले लो, चाहे आप कैसे भी ले लो। तो आपका मान लेता हूँ, सपोज करो इसका डेप जब निकाला जा रहा है तो आपका आ रहा है 133.33। डाउट देखिए अभी चैट में मैं पढ़ लूंगा डाउट, कमेंट हैंड रेज का, जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा तो हैंड रेज लूंगा, क्योंकि अभी फटाफट बताइए। होता क्या है हैंड रेज के अंदर, फिर कई बार आपका हैंड रेज आएगा तो थोड़ा डिले हो जाएगा क्वेश्चन, और कोई बात नहीं है सर। एग्जाम में भी हमें ऐसे ही ऊपर फॉर्मेट लैक, हाँ लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिख सकते हो, और वैसे भी मैं कहूँ ना हर बच्चे के आपके क्लास में ना इसका आंसर थोड़ा डिफर कर रहा होगा, एग्जैक्ट आता ही नहीं, क्योंकि इतने लैक्स में फिगर है, इतने पॉइंट्स में है, तो बच्चे का अगर एक पॉइंट की भी बात करूँ, अब देखो ये देखो 600 लाख है, अब मैं 600 लाख कैलकुलेटर पर लिखूँ, फिर उसके ऊपर मैं परसेंटेज निकालूँ, तो 1-1.5 लाख का तो वैसे ही फर्क आ जाना है, तो इसलिए मैंने इसको इसमें ले लिया, वो चलेगा ठीक है सर। क्वेश्चन में 66 तो दे रखा है, और बच्चे समझ रहे हैं कि सर क्वेश्चन में 66 दे रखा है। देखो डेप्रिसिएशन चार्ज 33.33%, जो 66 है ना ये कैपिट,
कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था ये, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अलग था। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये कैपिटल यूटिलाइजेशन ये था जो मैंने ये किया था आपका। चलिए पीवीएफ देखते हैं। पीवीएफ, पीवीएफ में क्या रेट था सर इसका? द टर्मिनल का 15 था, 10 था। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, द कैपिटल हमारा ये है और कहता है एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, और इट मे बी ठीक है 15%। कई बार देखो बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी यहाँ की कहानी अलग है और यहाँ से एट द एंड ऑफ द यहाँ की कहानी अलग है, इस बात का ध्यान रखना। तो सर 15% कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, ये रहा, यानी 15%। अब 15% का पीबीएफ हमें निकालना सिखाया है, 1 डिवाइडेड बाय 1.15, तो 0.86, दो ही डिजिट ले लेते हैं, 9 ले लो, तो चलो 0.756, 6557 1 4। अब एक मजे की बात और समझना, कई बार एग्जामिनर ना क्या कर, 2 है, फोर टू, ठीक है, कई बार एग्जामिनर ना आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करके खुद देगा। सपोज करो पहले साल का दे दिया 869 की जगह पे 87.87 दे दिया, तो जब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन के बीच में ही सारे फैक्टर डाल दे तो इस कैलकुलेटर पे आपको कोई होशियारी नहीं दिखानी, आपको वही डिजिट लेके करनी है चाहे भले एग्जामिनर ने गलत लिखा हो। कई बार एग्जामिनर देखना चाहते हैं कि क्या चाहते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 87 लिख दिया, यहाँ पे 76 लिख दिया, तो आप बोलोगे अरे ये तो गलत आ गया, तो आपको उसमें उलझन में नहीं पड़ना। काफ़ी बार हुआ है, दिया गया है और बच्चे उसमें फंस जाते हैं, तो एग्जामिनर जब बोल देना कि भैया अभी रात है तो रात मान के क्वेश्चन करिए आप, सिंपल सी बात है, बच्चे उसमें उलझ जाते हैं। और एक बच्चा कोई बोल देता है ना कि क्वेश्चन गलत है, फिर सब क्लास के अंदर क्वेश्चन गलत है, कौन सा गलत है, इसके बाद फिर जो एग्जाम लेने आता है वो देखो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हो सकता है और हो सकता है स्कूल के भी टीचर हो, उनसे बोलते हुए वो पूछेंगे, जाएंगे 3.5 घंटे बाद जवाब आएगा, नहीं नहीं क्वेश्चन ठीक ही था, जब तक तो आपका पेपर भी ले लिया जाएगा। तो उसमें नहीं पढ़ना, मैं पहले ये चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं एग्जाम में हम गलती करते हैं जो बता दिया मैंने। चलिए अब मल्टीप्लाई करके निकाल लें, बताइए 190, अगला 300, पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट को छोड़ दो, हम एमएनपी भी निकाल लेंगे। देखो अब पॉइंट के बाद आ रहा है, मैं छोड़ता जा रहा हूं पॉइंट को, आप भी एग्जाम में छोड़ सकते हो, या पॉइंट को एक अपर कर दो, ऐसा कर दो ना, एक को अपर एक को लोअर ऐसे करते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं। ये 30 है, 30, 30 है, एक बार चेक कर लो। इनफ्लो हम निकालने में कामयाब हो गए, अब हमें एनपीवी कैसे निकालना होगा, पहले टोटल इनफ्लो हमें पता चाहिए। ये तो हो गया हमारा पैसे जो सेल से कमाए गए, अब टर्मिनल वाले इनफ्लो को निकाल लेंगे, टोटल इनफ्लो हो जाएगा, फिर टोटल आउटफ्लो से माइनस करेंगे, पता चल जाएगा हमारा एक्चुअल सिचुएशन क्या है। ये कौन सा इनफ्लो निकाला सर हमने, ये निकाला हमने सिर्फ जो एनुअल सेल से इनफ्लो है। अब टर्मिनल इनफ्लो की हम बात करते हैं सर, टर्मिनल इनफ्लो देखिए, क्वेश्चन ने कहा था टर्मिनल इनफ्लो के टाइम पे, एक तो सर वर्किंग कैपिटल, एक तो आपका 150 लाख लगा था स्टार्टिंग में, और जब तीसरे साल के बाद यानी आफ्टर थर्ड ईयर तो 100 लगा था, तो टोटल तो ये हो गया एक 250 लाख जो वापसी आएगा, प्लस उस एसेट्स को बेचने के लिए हमें
कहा था कि इतने परसेंट में तो बिक जाएगा, बोला था ना उसने। तो देखिए कहाँ बोला था, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, बच्चे बोलेंगे क्या कहता है ये। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एडिशनल 100 लाख ये लग गया, और स्टार्टिंग में ही कह दिया था 150 लाख यहाँ लग गया, तो 250 हो गया जो वापसी मिलेंगे। कहता है टर्मिनल वैल्यू फिक्स एसेट सोल्ड एज ए स्क्रैप, बेचा जाएगा मे बी 10%। सर तो 10% मैंने बताया था 600 लाख का, 10% बेचा जाएगा यानी 60 लाख में बेच दिया जाएगा। आगे कहता है क्वेश्चन में जो कि 100% वैल्यू का, गिव सजेशन। तो सर सबसे पहले टर्मिनल हमारा 60 लाख का आना है, कब आना है सर 60 लाख का, लास्ट ईयर में आना है ना। तो लास्ट ईयर में एक तो आएगा हमारा स्क्रैप बेच के, कितने आएंगे हमारे 60 लाख रुपए का। लेकिन अब यहाँ पे कैपिटल गेन का इम्पैक्ट, वैसे हालांकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है, लेकिन अगर हम कैपिटल गेन का इम्पैक्ट लेंगे तो हमें ये पता करना पड़ेगा भैया जो 60 लाख का सामान बेचा है उस पर मुनाफा हुआ है या घाटा हुआ है। और मुनाफा घाटा कैसे पता चलता है किसी भी एसेट्स को बेचने पे, एसेट्स को बेचने का जो हमारा होता है ना प्रॉफिट या लॉस फॉर्मूला नहीं होता आपका, होता है बुक सेल्स माइनस में बुक वैल्यू। सर बुक वैल्यू क्या होता है, सर बुक वैल्यू होता है हमारा एसेट वैल्यू माइनस में टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में आप देखोगे तो मैंने एक जगह पे इसलिए डेप्रिसिएशन निकाला कि ये मेरा बुक वैल्यू है 54। बुक वैल्यू कितने का है 54। मेरे हिसाब से ये एसेट 54 लाख का बिक जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ये एसेट 60 लाख का बिक रहा है, तो 6 लाख रुपए का क्या हो गया बताओ, गेन हो गया ना। 6 लाख का क्या हो गया हमारा, गेन हो गया। तो चलिए अगर मैं कैपिटल गेन को लूंगा यहां, तो यहां पे अगर मैं कैपिटल गेन 60 तो ये आएगा या आएगा, और प्रॉफिट होने के बाद से हमारा टैक्स देना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे टैक्स पेड। सर टैक्स पेड कितना करोगे, सर आपका 60 लाख माइनस में 54 लाख यानी आपका 6 लाख पे कितने परसेंट, इसी पे सीधा कर दूं मैं 35, तो कितने आ गए 2.1। अल्टीमेटली मेरे पॉकेट में कितने आए, 6 में से 57 60 में से 0.9। इसमें बहुत बच्चे सवाल पूछ सकते हैं मेरे से, मैं हर सवाल का आंसर देने के लिए तैयार हूं, अब पूछते जाइए। बताइए जो मैंने टर्मिनल का इनफ्लो निकाला है, अभी सिर्फ इनफ्लो निकाला है, इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं, अभी मल्टीप्लाई करूंगा मैं पीवीएफ से। बताइए है किसी बच्चे का डाउट, टैक्स कैसे आया, टैक्स क्वेश्चन में 35% दे रखा था, मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होगा। इसको थोड़ा और डिटेल में और थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्मेट में करते हैं, रुकिए मैं एक बार और थोड़ा सिस्टमेटिक में कर देता हूँ इसको। ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल से, यहां निकाल लेते हैं एसेट से। एक्चुअल में ये टर्मिनल नहीं होगा, ऊपर मैं चेंज ही कर देता हूं आपके हिसाब से बनाने के लिए, मैं कर रहा हूं सिर्फ, नहीं तो वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए। ये था सर वर्किंग कैपिटल एट द एंड 6 ईयर। अब टर्मिनल कैश इनफ्लो, सर सेल्स किया मैंने स्क्रैप,
मैंने स्क्रैप कर दिया। सोल्ड कितने का सर? 60 लाख का। अब मैंने बताया था अगर किसी एसेट्स को जब बेचते हो नुकसान होता है तो पैसा बच जाता है, और फायदा होता है तो हमें टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉफिट या लॉस। तो हमारा था सेल्स वैल्यू था 60 लाख, और जिसके अंदर बुक वैल्यू था हमारा 54 लाख पीछे निकाला था। तो इसका मतलब मेरा यहाँ जनरेट होता है प्रॉफिट 6 लाख का। देखो यहाँ फॉर्मूला भी लिख दिया। तो प्रॉफिट पे हमें टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, जो कि कितने परसेंट था? 35% का टैक्स है, और 35% टैक्स निकालने पे आ जाता है 2.1 जो सरकार को देना है। तो अल्टीमेटली मशीन बेचने के बाद मेरे पॉकेट में बचेगा 57.9। तो सर अगर टर्मिनल, अगर टोटल मैं 5 छठे साल में इनफ्लो की बात करूं तो 250 लाख तो ये आएगा, और 57.9 ये आएगा। मैं टोटल भी निकाल के यहाँ दिखा देता हूँ सर। टोटल आएगा हमारा 250 लाख प्लस में 57.9, जो कि आ जाता है हमारा 307.9। ये है हमारा कैश इनफ्लो। अभी पीवीएफ नहीं निकाला। पीवीएफ निकालने के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू कितने होगा हमारा। पीवीएफ हमारा है, चलिए यहां आपने लिखवाया ही है, मैं देख लेता हूं, 6ठे साल का है 432, है ना 432। तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 432, और हमारा कैश इनफ्लो है 307.9। अब मल्टीप्लाई करके बिल्कुल राउंड फिगर में डिजिट बता दीजिए। एक सौ 33 लिख लिया, ठीक है। अब टोटल टर्मिनल इनफ्लो निकालते हैं आपके लिए। टोटल टर्मिनल इनफ्लो, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, ये सही रहेगा। मैं टोटल निकालने जा रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। सबसे पहले पुराने वाले का जो इनकम से जनरेट हुआ था, तो रेवेन्यू से जो इनफ्लो आया था हमारा वो क्या था सर? इसका टोटल कर लेते हैं। ये था हमारा, ये सारा क्या है सर? मैंने लिखा ना, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है। ये इन सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ कर देते हैं, टोटल डायरेक्ट ले लूँगा। बताइए जोड़ के टोटल क्या होता है? 196, 18 नहीं कम बता रहे हो, 196, 330, 369, 1853, 1853। एक तो इससे पैसा आ गया सर, यानी हमारा रेवेन्यू यानी सेल्स से जो इनफ्लो हुआ वो हुआ 1853 का, और सर टर्मिनल से हुआ एंड वर्किंग कैपिटल से कितने का इनफ्लो? 133। टोटल इनफ्लो हो गया 1986 लाख, 1986 लाख का हो गया है। और हमारा अब आउटफ्लो निकाल लेते हैं। टर्मिनल आउटफ्लो सर, टर्मिनल आउटफ्लो देखिएगा, एक तो मशीनरी खरीदा, कितने रुपए का? 600 का। फिर वर्किंग कैपिटल भी लगा 150 लाख का। उसके बाद फिर तीसरे साल वर्किंग कैपिटल लगा, तो हम तीसरे साल वाले का प्रेजेंट वैल्यू लेंगे ना। वर्किंग कैपिटल कब लगा? तीसरे साल। फिर से लगा वर्किंग कैपिटल, कितने? 100 लाख का लगा था। तो 100 लाख का तीसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि आज नहीं लगा रहे 100, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। तो तीसरे साल का क्या आया था बताओ?
सिक्स, तो कितने आ गए 65। तो टर्मिनल हो गया। अल्टीमेटली आपको रिजल्ट तो देखो पता ही चल गया होगा, है ना, हम इतना कर रहे हैं, ठीक है, ये आ गया। अब एक बार यहां तक देखें, फिर प्रेजेंट वैल्यू बता के इस क्वेश्चन को खत्म करें। आप पूछिए। पैंसठ कैसे आ रहा है? पैंसठ कैसे आ रहा है? पैंसठ कौन सा? ये देखो, ये तीसरे साल में कहता है कि भैया, आप ध्यान देना, मैं करता हूँ इधर। ये पूरा 6 साल था हमारा, ईयर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमने वर्किंग कैपिटल इस साल लगाया है, और आज क्या होगा? तो इस साल जो लगाया होगा उसकी आज की वैल्यू निकालेंगे ना, तो तीसरे साल का हम पीवीएफ ले लेंगे, और 100 का पीवीएफ लिया हमने तो 0.657 आया। तो मल्टीप्लाई किया तो आज की वैल्यू 65 रुपये, 65.7 मैंने राउंड फिगर में ले लिया। श्रेयस ने बता भी दिया, कह रहे 6 लाख प्रॉफिट कैसे आया? छह लाख प्रॉफिट कहाँ लिखा मैंने? ये अच्छा, 60 लाख का सामान था, 54 लाख का बेचोगे तो माइनस करके आए, ये लो, ठीक है। चलिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या कहता है सर? नेट प्रेजेंट वैल्यू कहता है एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, इसको दूसरे टेबलर फॉर्म में कर देता है, जगह नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, इसमें से माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, सर यहां देखा जाए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो टोटल निकाल लिया 1986 माइनस 815, तो पॉजिटिव ही है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, 1100 तो पॉजिटिव है। तो प्लान जो प्रोजेक्ट था, क्वेश्चन में पूछा था कि प्रोजेक्ट को क्या करा जाए, तो प्रोजेक्ट को हमने क्या कर लिया कि कह रहा था रिगार्डिंग टेकिंग अप द न्यू प्रोजेक्ट और नॉट, तो हम ले लेंगे। और उसके बस क्वेश्चन में देखो, कुछ बच्चे 10 ईयर से मैच करेंगे, मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया है, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिखा था वहाँ पे मैंने बदल के क्या कर दिया, उसको वेरिएबल कॉस्ट कर दिया। अगर आप, कोई बच्चा कहता है सर कंट्रीब्यूशन से क्या हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकाला जा सकता है। जितने परसेंट कंट्रीब्यूशन होता है उसका उल्टा वेरिएबल कॉस्ट होता है। जैसे आपको 60 दे रखा था ना यहाँ पे, अगर वेरिएबल कॉस्ट मेरे से कोई पूछेगा क्या होगा इसी क्वेश्चन में, तो मैं बोल दूंगा 60%, ठीक है। मैं बताता हूँ, एक चीज लिख भी देता हूँ, चलो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया। ये देखो वीसी क्या होता है सर, वीसी इज इक्वल टू 100 माइनस में कंट्रीब्यूशन का रेशो। बाकी इसमें झमेले में ज्यादा मैं पढ़ना नहीं चाहता, ये हमारे अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो कोई अगर बोले सर वीसी निकाल के दिखा दो, तो 60% आ जाएगा। तो बुक में शायद 60, मैंने यहाँ चेंज करके इसको वीसी ही कर दिया,
ताकि मुझे ज़्यादा आपको डिटेल में दिक्कत ना हो समझने में। इसलिए आपके 10 ईयर का भी आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, लेकिन डिसीजन हमारा सेम ही रहेगा। देख लेते हैं डिसीजन क्या है उसमें। हाँ सेम ही है, एक्सेप्टेड ही है। आठ सौ का 60% माइनस 240। किसी को डाउट है तो बताइए, है किसी को डाउट? नहीं, अगले टॉपिक पे चले। एक छोटी सी कहानी बस आज कंप्लीट करेंगे बस। क्या कर रहे हैं? नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे कल। टेन ईयर में क्वेश्चन नंबर 8 होगा और नए वाला 10 ईयर भी आ चुका है। कुछ ऑनर्स के बच्चे कह रहे थे सर हमें मिल नहीं रहा, तो नाउ अवेलेबल, आप ले सकते हैं।